नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे तो शायद नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर डर बना हुआ है शेयर मार्केट की। जो मार्केट है उसको देखकर कि मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, पर इसी के अंदर जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो आज बड़े खुश हैं दोस्तों। और आप लोगों ने भी दुखी नहीं होना है क्योंकि मार्केट है, मार्केट अप डाउन होती रहती है। एक साल, दो साल, तीन साल के बाद थोड़े बहुत क्राइसिस आते रहते हैं दोस्तों। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये मत सोचिए कि मुझे 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए का लॉस हो चुका है तो अब मैं क्या करूं। और जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन सबसे खतरनाक डिसीजन होता है दोस्तों। अगर आप जल्दबाजी में अपना म्यूचुअल फंड, जो भी आपने लगाया हुआ है पैसा, अगर आप उसको निकाल देते हैं और वो जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है, तो वहां पर आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए, मार्केट 2020 के अंदर भी क्रैश हुई थी, और जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तब भी क्रैश हुआ था, पर उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद, परंतु लंबे टाइम पे, थोड़ा सा कोरोना टाइम पे लंबे टाइम पर मार्केट क्रैश हुई थी दोस्तों, पर उसके अंदर भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी दोस्तों। पर आप देखिए, पिछले 3 साल का अगर ट्रैक देखते हैं तो वहां पर अप टू 40% तक का रिटर्न दिया है, 25% से लेके 40% तक का रिटर्न। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप घबरा के अपना पूरा पैसा निकाल मत लेना। अगर ज्यादा ही डर है तो आप धीरे धीरे अपना पैसा निकालना, 20%, फिर 30%। और मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि प्लीज पैसा मत निकालिए। आप लोगों के पास अगर और एक्स्ट्रा पैसा है तो मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपए का टारगेट बनाइए। जैसे आज 5 से 7% जितनी भी मार्केट क्रैश हुई है, तो आप यहां पर लगभग लगभग 20% पैसा और अपना यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर मार्केट को देखिए, रीड करिए, बिल्कुल मार्केट के साथ जुड़े रहिए, और फिर अपना 20%, 10% जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट करना है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक सुनहरा मौका है दोस्तों। अगर आप इसको जल्दबाजी में अपना पूरा पैसा निकाल लोगे तो बहुत बड़ा लॉस यहां पर आप लोग करने वाले हो। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछता हूं, अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है, क्या वो पैसा 1 साल के लिए था, क्या वो 2 साल के लिए था, क्या वो 3 साल के लिए था? आपका टारगेट, आपका विजन क्या है? एक लॉन्ग विजन आप लोग लेकर आए हो, कम से कम 15 से 20 साल का विजन आप लोग अपना टारगेट लेकर आए हो। आपका गोल है 15 से 20 साल तक का, फिर क्यों, किस चीज की घबराने की बात है? 15 से 20 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। दिन है तो रात होगी, गर्मी है तो सर्दी होगी, सर्दी है तो गर्मी आएगी, ये मौसम बदलता है। सेम ऐसे ही शेयर मार्केट बदलती रहती है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा आपका पैसा है, आप उस पैसे के साथ ऐसे कैसे बने रहिएगा। शेयर मार्केट का पैसा अगर आपने डायरेक्ट शेयर में लगाया हुआ है, वो आप निकाल सकते हैं, वो भी अपने एडवाइजर की सलाह पे या जो भी आप न्यूज देखते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अकेला ये युद्ध इस मार्केट के लिए कारण नहीं है कि अगर आज इजराइल और गाजा के साथ युद्ध हुआ है तो उसके कारण ये मार्केट क्रैश हुई है, नहीं है दोस्तों। ऐसा अकेला यही कारण नहीं है, और बहुत सारे बॉन्ड के रेट बढ़ चुके हैं, साथ के साथ में आरबीआई अपनी नई पॉलिसीज लेके आ रही है। जब भी आरबीआई अपनी नई पॉलिसी लेकर आती है, उस टाइम पर मार्केट के रेट डाउन होते हैं। कुछ वेल भी होती हैं जो जानबूझ के मार्केट को थोड़ा सा क्राइसिस में लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास एक बढ़िया मौका होता है, उनके पास तो पैसा है, वो जैसे ही मार्केट क्रैश होगी उसी के अंदर धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने भी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है, न कि डर से अपने पैसे को निकालना है। यही एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आपको कितना लॉस हुआ है और आप अब कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। थैंक यू।